आज वंदे भारत मिशन के तहत एयर अरेबिया से की फ्लाइट से 158 यात्री इंदौर एयरपोर्ट पे आए और इन यात्रियों की सबकी स्क्रीनिंग की गई, थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया गया। सभी यात्री एसिम्प्टोमेटिक निकले और इन यात्रियों में 66 यात्री इंदौर के थे, जिनको सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की प्रक्रिया के तहत 7 दिवस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके तहत इन लोगों को 7 दिन के लिए होटल्स में शिफ्ट किए गए हैं, जहां इनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी हमारे टीम्स के द्वारा की जाएगी। इनमें यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इनकी निर्धारित ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनकी सैंपलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आज वंदे भारत मिशन के तहत एयर अरेबिया से की फ्लाइट से 158 यात्री इंदौर एयरपोर्ट पे आए और इन यात्रियों की सबकी स्क्रीनिंग की गई, थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया गया। सभी यात्री एसिम्प्टोमेटिक निकले और इन यात्रियों में 66 यात्री इंदौर के थे, जिनको सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की प्रक्रिया के तहत 7 दिवस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके तहत इन लोगों को 7 दिन के लिए होटल्स में शिफ्ट किए गए हैं, जहां इनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी हमारे टीम्स के द्वारा की जाएगी। इनमें यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इनकी निर्धारित ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनकी सैंपलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आज वंदे भारत मिशन के तहत एयर अरेबिया से की फ्लाइट से 158 यात्री इंदौर एयरपोर्ट पे आए और इन यात्रियों की सबकी स्क्रीनिंग की गई, थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया गया। सभी यात्री एसिम्प्टोमेटिक निकले और इन यात्रियों में 66 यात्री इंदौर के थे, जिनको सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की प्रक्रिया के तहत 7 दिवस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके तहत इन लोगों को 7 दिन के लिए होटल्स में शिफ्ट किए गए हैं, जहां इनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी हमारे टीम्स के द्वारा की जाएगी। इनमें यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इनकी निर्धारित ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनकी सैंपलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.